ये हूँ मैं और ये है मेरा न्यू हार्डकोर वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करने हैं टोटल 100 डेज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक दिन होता है 20 मिनट का, इसका मतलब 33+ आवर्स इन 100 डेज। एंड यस, एक मेरी छोटी सी गलती मुझे मार सकता है और मुझे इस छोटी सी गलती को नहीं करना है। हमारे इस वर्ल्ड में 3 गोल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा फर्स्ट गोल है एंडर ड्रैगन को हराना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सेकंड गोल है एक विदर बॉस को हराना, जिसके लिए हमें चाहिए 3 विदर स्कल्स। एंड हमारा थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट गोल है एक फुल नेदरराइट का आर्मर एंड टूल्स बनाना। एंड यस, ये है हमारी जर्नी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। D1 मैंने आया और मुझे देखा एक पेड़। मैं बिना कुछ सोचे उस पेड़ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था मैं फटाफट रात सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स बना लूँ। मैंने सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और कुछ स्टिक्स बना लिए, ताकि मैं उनसे एक वुड की पिकैक्स बना सकूँ, एक एक्स बना सकूँ। एंड फिर मैं एक स्वॉर्ड बना के निकल गया। मैंने सामने देखा कुछ शुगर केन्स थे, तो मैं उन शुगर केन्स को तोड़ने लगा, ताकि मुझे बाद में शुगर केन्स की कमी ना पड़े। मैंने फटाफट सारे शुगर केन्स तोड़े, कुछ फूड इकट्ठा किया, क्योंकि मैं इसमें मर भी सकता हूँ और सीधे मेरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा, तो मुझे खाना भी इकट्ठा चाहिए, बहुत खाना। मैंने 6 मछलियाँ इकट्ठा की और मुझे चाहिए थे कुछ पिक्स, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अच्छा खाना खा सकूँ। फिर मैंने पिक्स को काट डाले। अब तो हमारा मेन गोल वो था एक अच्छा से स्पॉट ढूंढ के एक माइनशाफ्ट बनाना, और मुझे एक स्पॉट मिल गया और वहाँ से मैं थोड़ी कोबलस्टोन लेके आया और अपने मैं क्राफ्टिंग टेबल लेके नीचे चला गया। वहाँ मैंने एक बनाया फर्नेस, उसमें मैंने पकाई अपनी मछलियाँ, जिससे मुझे खाने की जुगाड़ हो सके। मैंने फटाफट थोड़ी लकड़ियाँ तोड़े और रात गुजारने में केव में चला गया, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक फुल आयरन का आर्मर। और हाँ, आयरन का आर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिंपल सी वर्ल्ड को सर्वाइव करने में। मुझे मिले कुछ फर्स्ट आयंस, मैंने फटाफट तोड़ा और वो थे टोटल 6 आयंस, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आगे। मैंने एक पिकेक्स बनाया और एक स्वॉर्ड बनाया और मैं निकल गया अपने माइन शॉफ्ट से। और दूसरे दिन मैं बाहर निकला, तो मैंने फटाफट कुछ काउस को ढूंढा और उन काउस को अपने घर लेने आया मैं, क्योंकि मुझे चाहिए थे लेदर्स, और लेदर्स के लिए हमें मारना पड़ेगा काऊ को। थोड़े देरों बाद हम अपने काउस को घर लेके जा रहे थे, उस समय मेरे शीप पे एक डॉग ने हमला कर दिया, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे काउस चाहिए थे। मैंने उन काउस को अपने घर में लेके आ चुका था और मैं यहाँ पे उन्हें कैद करने लगा। और जैसे ही मैंने उन्हें कैद किया, मैंने अगल बगल टॉर्च लगा दिया, जिससे कोई मॉब यहाँ स्पॉन ना हो सके और मेरे काउस को मार नहीं सके। मैंने एक शील्ड बनाया, क्योंकि शील्ड इंपॉर्टेंट है हमारे हार्डकोर वुड में, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती भी हमें मार सकती है। ये था D3 और मैं माइनिंग कर रहा था केव में। मुझे चाहिए थे कुछ डायमंड्स, कुछ आयन, तो यहाँ पर मुझे मिलते हैं थोड़े से और आयन। मैंने फटाफट उन्हें तोड़ने लगा, क्योंकि मुझे एक बनाना था आर्मर। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे नज़र पड़ा यहाँ पर बहुत लावा है, और यहाँ पर छोटी सी गलती भी ये मार सकती थी। और साथ ही में मुझे मिले कुछ डायमंड्स, मुझे मिला अपना फर्स्ट डायमंड। मुझे यहाँ पे टोटली मिले 2 डायमंड। मैं अगल बगल को तोड़ने लगा, ताकि मुझे 2 मिल जाएं और ज़्यादा हो सके तो मेरे ही फायदे हैं। यहाँ पे मुझे मिला एक गोल्ड आर्मर का जॉम्बी, जिसे मैंने फटाफट मारा और अपने के लिए एक फुल आयरन आर्मर क्राफ्ट कर लिया। एंड यस, हियर वी गेट आवर फर्स्ट अचीवमेंट, विच इज़ सूटर। और फटाफट मैं एक छोटा सा बेस बनाने लगा पूरी 100 डेज सर्वाइव करने के लिए। मैंने एक केव जैसा लुक चाहता था अपने घर में, इसके लिए मैंने एक छोटे से गड्ढे के अंदर अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लकड़ी से स्प्राउट किए थे और सब कुछ को लकड़ी से भर दिया। यहाँ पे मैंने बनाया अपना स्टोरेज रूम और यहाँ पे मैंने थोड़े से डाल दिए क्राफ्टिंग टेबल्स। यहाँ पे मैं गया, थोड़े से रेडस्टोन चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़े रेडस्टोन कोल्स ये सब चाहिए था, क्योंकि मेरे घर में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। मुझे यहाँ पे कुछ स्लाइम्स मिले, फिर मैं अपने काऊ को ब्रीड किया D5 में। और D5 मेरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसी के लिए मैंने इसे जल्दी से स्किप कर देता हूँ। D6 पे भी मैंने माइनिंग ही की, क्योंकि मुझे चाहिए थे कुछ डायमंड्स और मुझे बनाना था एक डायमंड का आर्मर। यहाँ पे मुझे कुछ गोल्ड मिले, कुछ हमारे डायमंड्स मिले, जो बहुत 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 अच्छा था। ये हो गया था D7 और यहाँ पे हम डायमंड्स ही माइन कर रहे थे। एंड D8 डायमंड्स ही माइन कर रहे थे। D9 को मैं आके कुछ क्रॉप्स को बोन मिल करने लगा, ताकि मुझे फूड मिल जाए और उससे मैं काउ को ब्रीड करवा सकूँ। यहाँ पे मैंने काउ को ब्रीड करवा दिया और मैं ऑफिशियली सर्वाइव कर चुका था 10 डेज इन माय वर्ल्ड। मैंने एक पिकेक्स बनाया इसी खुशी पे,
और उसे मैंने इन्वेंट्री में रख लिया क्योंकि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पिकैक्स था। एंड यस, फिर मेरा एक छोटा सा काम था, वो था फोर्ट्रेस ढूंढना। उसी के लिए मैंने एक बनाया नेदर पोर्टल। एंड यस, मैं अभी नेदर पोर्टल में नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे डर लग रहा है। मैंने फटाफट अपने एरिया को एक्सटेंड किया और मुझे एक यहाँ पे मिला एक रुइंड पोर्टल, जिसमें से हमें कुछ गोल्ड के सामान मिल गए और कुछ फायर चार्जेस। उसके बाद ब्रो, मैं अपने घर के चारों तरफ से बनाने लगा कुछ बाउंड्रीज जिससे मॉब्स अंदर घुस ना सके। मैंने उसे थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन दिया और फिर डे 15 को भी मैं चला गया माइनिंग पे। और डे 16 पे भी मैं माइनिंग कर रहा था और डे 17 में मुझे डायमंड्स मिल गए। एंड यस, ये थे 8 डायमंड्स। डे 18 में भी मैं माइन ही कर रहा था और डे 19 को जब मैं घर आया तब मेरे थे 24 से भी ज़्यादा डायमंड। इसका मतलब मैं बना सकता हूँ फुल डायमंड आर्मर। यहाँ पे मैंने बनाया एक फुल डायमंड आर्मर, एक स्वॉर्ड एंड मुझे मिल गया था एडवांसमेंट कवर्ड मिथ भी डायमंड्स। मैंने अभी अपने डायमंड आर्मर को निकाला क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैं इसे खो ना दूँ, इसी के लिए मैंने इसे यहाँ पे आर्मर में लगा दिया क्योंकि जब मुझे नेदर जाना होगा मैं पहन के जाऊँगा। फिर मैंने अपने क्रॉप्स को बोन मिल करने लगा जिससे मैं अपने काउस को ब्रीड करवा सकूँ। एंड यहाँ पे यार मैंने अपने फटाफट अपने सारे काउस को ब्रीड करवाया और मुझे दिखे कुछ प्लेजर्स। मैं उन प्लेजर्स को मारना चाहता था, इसी के लिए मैं कवर में आके देखा वो कितने थे। उसके बाद भाई मैंने अपना वहाँ बो निकाला और उन्हें मैं मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने उनके हेड को मारा और सबको मैंने मार दिया तो मैं जाके उन्हें लूटने लगा क्योंकि मुझे चाहिए था उसका बैनर, और वो बैनर ही इस चीज़ का प्रूफ है कि मैंने एक प्लेजर हेड को मारा हुआ है। तो यार मैंने फटाफट मारा उसे और अपने इंटीरियर पे लग गया। और भाई ये मेरा इंटीरियर बहुत स्पेशल था। मैंने अपने घर के इंटीरियर कंप्लीट कर ली विथ छोटे मोटे डेकोरेशंस, लैपिस के ब्लॉक्स, रेस्टोरेंट के ब्लॉक्स। मैंने कल आपको बताया था कि यार मतलब पुराने डे में मैंने बताया था इसे मैं घर पर यूज़ करूँगा। उसके बाद फिर से यार मैंने काउस को ब्रीड करवाया क्योंकि मुझे चाहिए थे ढेर सारे लेदर्स। और फिर जैसे ही मैंने ब्रीड करवा लिया मैंने मारना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे लेदर्स भी चाहिए थे, कुछ खाने भी चाहिए थे। मैंने फटाफट इन सबको मार दिया और मेरे पास थे एट लास्ट 49 बुक्स। मतलब यस, बहुत सारे बुक्स हो गए थे मेरे पास। मैंने फटाफट बुक सेल्फ बनाए वो भी 16, ताकि मैं अपने एक इंचांटिंग रूम के लिए रूम स्पेस बना के उसमें सेट कर सकूं। मैंने फटाफट कंप्लीट किया अपना इंचांटिंग रूम और उसे मैं डेकोरेट करने लगा। मैंने उसे फटाफट उसमें लाइटिंग की, थोड़ी माइनर डेकोरेशंस की एंड यस इट वाज इट। फिर मैंने एक माइनशाफ्ट खोदा और वहाँ पे मैंने बनाया एक इंचांटिंग रूम। एंड यहाँ पे मैंने इंचांटिंग टेबल ले लिया और उसे रख दिया इंचांटिंग रूम में। और मैंने सबसे पहले इंचांट करना था हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम, एंड वो है हमारी वन एंड ओनली यस 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 पिकेक्स अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4। फिर मैं अपने स्वॉर्ड को इंचांट डिसइंचांट करते रहा ताकि मुझे मिल जाए बहुत लूटिंग 3। फिर मैंने उनसे लूटिंग 3 ली और नेदर में निकल गया एक फोर्ट्रेस की खोज में। जैसे ही मैं इन फोर्ट्रेस में गया तो मुझे वहाँ पे दिखी कुछ पिगलिंस। मैं उनसे ट्रेड किया गोल्ड से जाके मुझे मिल सके एंटर पर्ल्स क्योंकि मुझे चाहिए ढेर सारे एंटर पर्ल्स फॉर आई ऑफ द एंटर। फिर मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब कुछ ट्रेड कर लिया और एक चेस्ट में अपना सारा सामान भर दिया जो मुझे वहाँ से मिला था। और मैं फिर निकल गया खोज में हमारे ब्लेजेस की। फिर मुझे ब्लेजेस मिले, मैं उनसे बनाया आई ऑफ एंटर। एंड यस, मैंने कुछ ऑब्सीडियंस ली एंड एक एंटर चेस्ट बनाया जिसके अंदर मैं सामान स्टोर कर सकता था। मैंने एक्सपी के लिए यूज़ किया कॉर्ड्स को और कुछ ग्लू स्टोन्स फॉर डेकोरेशन ऑफ माय हाउस। उसके बाद यार डे 35 होने को आ गया था। एंड यस इट वाज डे 35 एंड आई इंचांटेड ऑल माय आर्मर। यस, मैंने सारे अपने आर्मर को इंचांट कर लिया था बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई जैसे ही मैंने उन सबको इंचांट किया आई वॉज रेडी फॉर डिफीटिंग एंटर ड्रैगन। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने घर के माइनर डेकोरेशन कर ली और थोड़ी फैंटम मेमोरीज इकट्ठा की ताकि मैं स्लो फॉलिंग के पोशंस बना सकूं और एंडर ड्रैगन को इजीली हरा सकूं। एंड यस, मैं डे 40 को गया थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करने और एक विलेज ढूंढने। एंड यस आई गॉट वन विलेज और मैंने वहाँ से ढेर सारे ट्रेड कर लिए, जैसे फ्लेचर से मैंने ले लिए एरोस क्योंकि एंड फिर कुछ बुक्स लिया मैंने हमारे प्यारे लाइब्रेरियन से और मुझे मिल गया था मेंडिंग एंड माई हैप्पीनेस वॉज अ लॉट। उसके बाद मैंने उससे मेंडिंग खरीदने का सोचा, उसके लिए मुझसे एम्बरल्स मैंने ट्रेड किए स्टिक्स। मैंने खरीदा मेंडिंग, वो मेरा फर्स्ट मेंडिंग बुक था। मैंने उसे लगाया अपने पिकेक्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। एंड यस, मैं स्टार्ट करने लगा ब्रूइंग करने पोशंस। मैंने पहले बनाए पोशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड यस
उसके बाद मैंने बनाए स्लो फॉलिंग्स एंड मैंने कुछ लीव्स यहाँ से इकट्ठा की ताकि मैं इनमें से एप्पल्स निकाल सकूँ और उन एप्पल्स का मैं गोल्डन एप्पल्स बना सकूँ। मैंने फटाफट यहाँ पे एप्पल्स निकाले, अपने घर गया एंड अपने स्टोरेज को देखा आखिरी बार, अपने घर को देखा आखिरी बार, अपने गाँव से मिला आखिरी बार, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन हो सकता था। मैंने आखिरी बार सोया और मैं निकल गया एक एडवेंचर में। मैं फुली स्टैक्ड था, मुझे कुछ नहीं हो सकता था, एक मेरी छोटी सी गलती भी मेरे पूरे वर्ल्ड को डिलीट कर सकती थी। एंड मैं निकल गया अपने आई ऑफ एंडर्स को लेके एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। मैं मेरे आगे एक सी था, मैं उसमें एक्सप्लोरेशन करते रहा ताकि मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाए। एंड यस, ये था डे 51। मैंने हाफ ऑफ द आवर मेन टास्क कंप्लीट कर लिया है एंड अभी तक मैंने एंडर ड्रैगन को भी नहीं हराया। मुझे मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड, मैंने डाला उसमें आई ऑफ एंडर और यस, मैंने पिया सारे पोशन, स्लो पॉलिंग, स्ट्रेंथ और घुस गया एंडर ड्रैगन को मारने। मैंने फटाफट बिल्ड किए और जल्दी जल्दी मैं तोड़ने लगा एंड क्रिस्टल्स को ताकि मैं जल्दी जल्दी एंडर ड्रैगन को मार सकूँ। मैंने जैसे एंडर ड्रैगन को मारा, इट वॉज वेरी वेरी पीसफुल टू मी। यस, मैंने फटाफट एंडर ड्रैगन पे शॉट लेना स्टार्ट कर दिया था एंड एक छोटी सी गलती मुझे मार सकती थी। मैंने एक गोल्डन एप्पल खाया और एंडर ड्रैगन पे एरो मारना स्टार्ट कर दिया एंड यस, मेरे पास एक आखिरी मौका था एंडर ड्रैगन को हराने का। मैंने बोलिए और शुरू हो गया एंडर ड्रैगन को मारना, क्योंकि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फाइट था। मैंने ड्रैगन ब्रीथ ली ताकि मुझे एडवांसमेंट मिल सके, यू नीड अ मेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर एडवांसमेंट अगर मुझे कंप्लीट करने होंगे तो। मैंने एंडर ड्रैगन को मारा एंड यस, माय हैप्पीनेस वाज अनलिमिटेड। मैंने जैसे ही अपने एंडर ड्रैगन को हराया मैं खुश हो गया, मतलब मेरी खुशी तुम देख ही सकते हो यार। एंड यस, मुझे मिले वहाँ से ढेर सारी XP एंड उससे मैंने रिपेयर किया अपने पिकेक्स से लेके स्वॉर्ड से लेके वो तक सब मैंने कर दिया रिपेयर। और यस, ड्रैगन एग इवेंट लेना क्यों भूल जाऊंगा। एंड यस, मैं जंप किया एंड गेटवे में और ढूंढने लगा एक लाइट्रा। मुझे मिला एक एंड सिटी, वहाँ से मैंने फटाफट देखा वहाँ पर शिप है कि नहीं, मुझे शिप दिखा और मैंने जाके फटाफट लाइट्रा लेने में चढ़ गया सीधे शिप में। जैसे ही मैं शिप के अंदर पहुँचा वहाँ से मैंने कुछ गोल्ड्स लिए, बूट लिए एंड हेयर वी गेट आवर अलाइट्रा। मैं यहाँ पे फटाफट कुछ कुछ इकट्ठा करने लगा क्योंकि इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यस, मैं घर आ चुका था। मैंने ड्रैगन हेड को लगा दिया अपने आर्मर स्टैंड में एंड यस, अब ये मेरा टाइम था हमारे प्यारे अलाइट्रा को यूज़ करने का। मैं उड़ा, फिर मैंने अपने एरिया को थोड़ा एक्सपैंड किया ताकि मैं वहाँ पे ढेर सारे चीज़ स्ट्रक्चर्स बना सकूँ, क्योंकि एयर स्ट्रक्चर्स वेरी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने वहाँ पे एक छोटा सा बान हाउस बनाया अपने काउस के लिए ताकि मेरे काउस वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रह सके। मैं उनसे थोड़ी सी एक्सटीरियर दी, थोड़ी सी इंटीरियर दी और अपने काउस को शिफ्ट किया वहाँ पे मैं। एंड यस, मैं कुछ बिल्ड्स ट्राई करने लगा जो मैं बना सकता हूँ और मैंने भाई बान को थोड़े ज़्यादा ही एक्सपेंड कर दी जिसमें मैं ढेर सारी काउस रख सकूँ। एंड यस, इट वॉज डी 74। मैंने एक वन एंड 75 डेज कर दिए थे सर्वाइव। इसमें मैंने अपने घर को देखा जो बहुत ऑसम लग रहा था क्योंकि मेरे इंटीरियर डेकोरेशन बहुत बेस्ट हो चुकी थी। एंड यस, ये थी मेरी टाइम एंड ड्रैगन से बढ़ने की। एंड मैं बनाने लगा एक न्यू स्वॉर्ड और उसे मैं एन्चेंट करने लगा ताकि मुझे मिल सके स्माइट 5। एंड यस, स्माइट 5 मुझे चाहिए था विदर को हराने के लिए। विदर बहुत बहुत ताकतवर मॉब है, जावा में नहीं पर बेडरॉक में, क्योंकि बेडरॉक में उसके पास 600 HP रहती है पर जावा में ओनली 300। मैंने फटाफट यार यहाँ पे स्माइट 5 लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मुझे स्माइट 5 मिलेगा मैं निकल जाऊँगा हमारे विदर स्कल्स लाने। मैंने फटाफट उसी फोर्ट्रेस पे पहुँचा जहाँ पे मैंने लाए थे ब्लेज रॉड्स। मैं फटाफट वहाँ गया और डे 77 से 84 मैंने स्कल्स इकट्ठा करने में लगा दिया। एंड यस, दे वर वेरी नाइस। मुझे मिला अपना फर्स्ट वेदर स्कल, उसके बाद मुझे मिला अपना सेकंड वेदर स्कल एंड थर्ड, ये तो नेचुरल है ही ब्रो। हियर वी गेट
गर्ल्स, अब मैं घर आया और अपने स्वॉर्ड को इंचांट करने लगा ताकि मुझे उसमें और पावरफुल इंचांटमेंट मिल सके। मैंने फिर थोड़े से कॉर्ड्स तोड़े जिससे मुझे एक्सपी मिल सके और मैं एक्सपी से अपने स्वॉर्ड को इंचांट अच्छे तरीके से कर सकूं। एंड अब था बारी हमारे को फिर से जाके विद स्कल्स मारने का, क्योंकि हमारे पास तीन नहीं हो पाए थे स्कल्स। एंड यस, D88, 89 and 91 से 97 तक हम विद स्कल ही इकट्ठा करते रह गए। एंड यस, ये बहुत बहुत हार्ड डेज था मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने किया। उसके बाद मैंने थोड़े से डेब्रिस इकट्ठा किए ताकि मैं अपने आप को नेदराइट गारमेंट पहना सकूं, और मैंने उन्हें पिघलाया। एंड हेयर वी गेट आवर टू पीसेस ऑफ नेदराइट, जिसे आप लोग जानते हैं मैं कहाँ लगाने वाला हूँ। यस, द वन एंड ओनली माई पिकैक्स एंड माई पावरफुल स्वॉर्ड में। और यहाँ पर मैंने D99 को पूरी तैयारी कर ली थी एंटर वेदर को हराने की, कुछ एरोज लिया, सल्कर बॉक्सेस लिए और मैं निकल गया अपने माइंड शॉफ्ट में एक बेस्ट प्लेस ढूंढना वेदर को हराने का। मैंने पिया पोशन ऑफ स्ट्रेंथ टू वेदर स्कल को स्पॉन किया। एंड यस, दिस वॉज द टाइम टू डिफीट हिम। मेरे को लग रहा था ये मेरा लास्ट डे भी हो सकता है D99। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी वेदर को हराने की। एंड यस, द हैप्पीनेस जो किसी को नहीं मिला मुझे मिला वेदर को हरा के। एंड मैं वेदर को, और वहाँ से मिला मुझे एक वेदर स्टार जिससे मैंने फटाफट एक बीकन बनाया, क्योंकि D100 हो चुका था और मुझे बीकन बना के अपना सेकंड गोल भी कंप्लीट करना था। यस, मैंने थर्ड गोल कंप्लीट नहीं कर पाया फुल आर्मर बनाने का, पर मैं ट्राई करूँगा लिटरली 200 डेज में करने का उसे क्रिएट। एंड यस, इट वॉज द 100 डेज सर्वाइविंग हार्डकोर माइनक्राफ्ट प्रोड्यूस्ड एंड डब्ड बाय गेम ऑन अल्टीमेट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना इस वीडियो के। तब तक के लिए बाय बाय।